ओरछा के टीकमगढ़ जिले में स्थित भगवान राम का राजा राम मंदिर पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम भगवान नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजे जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध ओरछा के राजा रामलला सरकार और मंदिर से जुड़ी कई कहानियां सुनने में आती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम का ओरछा में 400 साल पहले राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को ही राजा के रूप में पूजा जाता है। इतिहास की पौराणिक धरोहरों को समेटता ये प्राचीन राम मंदिर भारत की वो सांस्कृतिक विरासत है जिसमें प्रेम, करुणा, त्याग और समर्पण का भाव मानव को आत्मविभोर कर देता है। राजा राम मंदिर के विषय में लोगों की ऐसी मान्यता है कि ओरछा के महाराजा मधुकर शाह की महारानी गणेश कुमारी भगवान राम में बहुत आस्था रखती थी। उन्होंने अयोध्या में दर्शन करके प्रभु श्री राम की प्रतिमा को टीकमगढ़ ले जाना चाहा, तो भगवान राम की प्रतिमा अपने स्थान से हिली ही नहीं। रानी ने राम भगवान को मनाने के लिए सरयू के तट पर घोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम ने वरदान मांगने के लिए कहा। महारानी ने फिर वही साथ चलने की राह ठानी। महारानी की जिद देखकर आखिरकार भगवान को झुकना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर वो यहाँ से टीकमगढ़ जाएंगे तो वहाँ के राजा वही बनेंगे। रानी ने कहा, आप जो कहेंगे वही होगा। तब से यहाँ पर मंदिर की स्थापना के बाद आज तक यहाँ के राजा राम भगवान ही माने जाते हैं। राम नवमी में भगवान राम का जन्मदिन यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र शुरू होते ही यहाँ सजने लगता है। राजा राम के स्वागत में समूचा टीकमगढ़ कन्या भोज से लेकर आरती और प्रसाद वितरण की व्यवस्था करते हैं समाज के हर वर्ग के लोग। मंदिर की संध्या आरती विदेश से आए हुए सैलानियों का मन मोह लेती है। घंटों और घड़ियालों की आवाज कानों में राम नाम का वो संगीत घोल देती है कि जो सुनता है कृतार्थ हो जाता है। पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखा माना जाने वाला राजा राम मंदिर में भगवान राम का विवाह हर साल पंचमी को होता है। विवाह उत्सव की तैयारियां देखते ही बनती हैं। कहीं से लजीज पकवानों की खुशबू आती है तो कहीं से ढोल नगाड़ों की आवाज। राम कथा नित शिव जी गावे। ढोलक की थाप पर भक्तों के थिरकते कदम भगवान के विवाह में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ लोगों की आज भी मान्यता है कि भगवान राम यहाँ शासन करते हैं जिससे इनके राज कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती है। यहाँ किसी के घरों में भी ताले नहीं डाले जाते हैं क्योंकि लोगों में अपने राजा के प्रति श्रद्धा और भक्ति कूट कूट कर भरी है जिसके कारण यहाँ चोरियाँ नहीं होती। ये मंदिर अपने आप में अनोखा मंदिर है।
जहां भगवान राम आज भी शासन करते हैं। प्रजा का अपने राजा के प्रति समर्पण और आस्था देखनी हो तो आपका टीकमगढ़ स्वागत करता है। यहां राजा राम के दरबार में मत्था टेकने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। मंदिर के प्रांगण से लेकर चौराहे तक सजी दुकानें, जहां लोगों को सिर उठाने की फुर्सत नहीं है, इस बात को साबित करती है कि ये वो पावन धरती है जहां कोई भूखा नहीं सोता। ऐसे हैं यहां के राजा राम, जिनके राज्य में प्रजा खुशहाल भी है और अपने राजा के प्रति समर्पित भी।